हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हैप्पी अप्रैल। गाइस, आज मैं आपके लिए एक यमी एंड हेल्दी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो ये हेल्दी लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम खजूर। यहाँ मैंने खजूर के सीड्स को निकाल के अलग कर लिया है। 50 ग्राम किसा हुआ नारियल या डेसिकेटेड कोकोनट, 50 ग्राम बारीक कटे हुए काजू, 50 ग्राम बारीक कटे हुए बादाम, 50 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम बारीक कटे हुए अखरोट, 50 ग्राम मैंने लिया है यहाँ गुड़, 1 बड़ा चम्मच देसी घी, 1 टीस्पून मैंने लिया है इलायची पाउडर और 2 टेबलस्पून अलसी या फ्लैक्स सीड्स। और अब मैं यहाँ एक ग्राइंडिंग जार लेकर उसमें ये खजूर डाल दूंगी। ध्यान रखें कि हमें खजूर में से सीड्स को बिल्कुल अलग कर लेना है। और अब मैं इन्हें ग्राइंड कर लूंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। और अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ लिया है एक पैन और मैं उसमें डाल रही हूँ अलसी। अगर आपके पास अलसी ना हो तो आप वाइट तिल का यूज भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि सारी चीजें हमें लो फ्लेम पर ही रोस्ट करनी है। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे 1-2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना है। अगर आप तिल का यूज कर रहे हैं तो आप सेम इसी टाइप से उसे रोस्ट कर लीजिए। अब अलसी अच्छे से रोस्ट हो गई है और मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब सेम पैन में मैं किसा हुआ नारियल भी रोस्ट कर लूंगी। ध्यान रखिए कि हमें इसे लो फ्लेम पर 30 से 40 सेकंड के लिए ही रोस्ट करना है, वरना ये जल भी सकता है। आप इसे रोस्ट करते टाइम लगातार इस तरह से चलाते रहिए। अभी ये रोस्ट हो गया है, हम इसे भी एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब सेम पैन में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी और घी के गर्म हो जाने पर मैं उसमें डाल दूंगी बारीक कटे हुए काजू, बारीक कटे हुए बादाम, किशमिश और बारीक कटे हुए अखरोट, और इन्हें भी हम 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। आप चाहें तो इसमें पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में इन्हें बनाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर दीजिए। और कोई ड्राई फ्रूट्स अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये लड्डू सर्दियों के मौसम के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं और हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा, क्योंकि मैं इसमें चीनी ऐड नहीं करने वाली हूँ। ये देखिए, ये ड्राई रोस्ट हो गए हैं और हम इन्हें भी एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। अब उसी पैन में मैं 1 चम्मच देसी घी और डाल रही हूँ और उसमें जो खजूर हमने ग्राइंड करके रखे थे वो भी ऐड कर दूंगी। और इसे घी में हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया। ग्रेट करने से इसे मिक्स करना इजी हो जाता है। अगर आपको मीठा खाना ज्यादा पसंद है तो आप गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। और अब ये देखिए, इस तरह से गुड़ को मैंने खजूर के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और तुरंत हम इसमें सारे रोस्ट किए हुए इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून इलायची पाउडर, अलसी, नारियल और ड्राई फ्रूट्स। और इस स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर दूंगी। इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट के लिए हमें इसे ठंडा कर लेना है। बहुत ज्यादा ठंडा हमें नहीं करना है, वरना लड्डू अच्छे से बाइंड नहीं होंगे। ये मैंने मिक्सचर को ठंडा कर लिया है और अब मैं हाथों पर इस तरह से पानी लगा लूंगी और मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरह से लड्डू की शेप का बना लूंगी। आप हथेली पे पानी की जगह घी का यूज भी कर सकते हैं। ऐसा करने से मिक्सचर आपके हाथों पे चिपकता नहीं है। ये देखिए, इस टाइप से हमें इसके लड्डू बना लेने हैं।
यहाँ मैंने सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, द हैप्पी एप्रन को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।